हेलो, हमारा न्यूज चैनल न्यूज बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ भूमिका। लाइव पाकिस्तानी संसद में रात 8:30 बजे होगी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। स्पीकर ने तय किया समय। सुबह के 9:25 राजधानी में बढ़ी सुरक्षा। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इस दौरान इस्लामाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी है। संसद के आसपास रेड जोन लगा दिया है। 3000 से ज्यादा सिक्योरिटी रेड जोन में रहेगी। संसद में एक ही गेट से एंट्री होगी। सुबह के 9:26 केवल पास से ही होगी एंट्री। नेशनल असेंबली में सभी सांसद 10 बजे तक पहुंचेंगे। सभी सांसद शटल सर्विस में आएंगे। इसके अलावा संसद में केवल पास से ही एंट्री होगी। सुबह के 9:31 इमरान को हटाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत। इमरान को हटाने के लिए उनके खिलाफ 172 सदस्यों के वोट की जरूरत है। इमरान ने आरोप लगाया है कि सांसद बिक रहे हैं, उन्हें बंधक बनाया जा रहा है। सुबह के 9:36 इमरान ने इस्तीफा देने से किया इनकार। शुक्रवार को पाकिस्तान के नाम संबोधन से पहले इमरान ने दोहराया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। जनता को संबोधित करते हुए इमरान खान ने फिर भी भारत की जमकर तारीफ की। इसके बाद मरियम नवाज ने तंज कसते हुए कहा कि अगर इमरान को भारत इतना पसंद है तो पाकिस्तान छोड़कर वही चले जाए। सुबह के 9:38 वोटिंग टालने की कोशिश कर रहे हैं इमरान। इमरान खान ने अपने सांसदों को वोटिंग टालने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संसद को का सत्र अगले हफ्ते तक चल सकता है। सुबह के 9:48 थोड़ी देर में शुरू होगी वोटिंग। थोड़ी देर में नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू होगी। इससे पहले इमरान खान असेंबली में लेटर का कुछ पार्ट डिस्कस करेंगे। सुबह के 10:40 इमरान को मुल्क का ख्याल नहीं। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान ने मुल्क का ख्याल नहीं रखा। उन्होंने संसद में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कार्यवाही हो। इमरान ने पाकिस्तान का भविष्य बर्बाद किया। सुबह के 11:15 पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही शुरू हुई। इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए पाकिस्तानी संसद में कार्यवाही शुरू हो गई है। हालांकि इमरान खान अभी तक संसद नहीं पहुंचे हैं। सुबह के 11:27 एक बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित। पाकिस्तानी संसद में स्पीकर ने कार्यवाही स्थगित कर दी है। अब 1 बजे के बाद सदन में फिर से कार्यवाही होगी। 1 बजे के बाद इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग का सामना करेंगे। सुबह के 11:39 अविश्वास प्रस्ताव लाना है विपक्ष का अधिकार। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है और इसका बचाव करना सरकार का कर्तव्य है। दोपहर के 12:38 रात 8:30 होगी वोटिंग। पाकिस्तानी संसद में प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग आज रात 8:30 होगी। इसका ऐलान स्पीकर ने किया है। सदन में विपक्ष जल्द से जल्द वोटिंग की मांग कर रहा है। That's all for our news today. Stay tuned to our channel. Good day.